गोलू अभी सोके उठ के आया? हाँ मम्मी सुबह से रसोई कर रही है, आज हैरू को बहुत नींद थी ना। जाओ पीछे जाओ, अभी यहाँ पे सब गिरा है नीचे, चलो फ्लोर पे गिरा है सब कुछ, जाओ नीचे जाओ, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, बैठो मामे बैठो, देगी मम्मी देगी, बैठो बैठो, गुड बॉय। देखो मम्मी अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद तुमको देती है। Hi guys, good morning, welcome back to our channel. आज कुकिंग से ही ब्लॉगिंग शुरू। एक्चुअली आज शाम में हम लोग कहीं जा रहे हैं तो इसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। कल ये प्लान हुआ, अभी तक पैकिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं रसोई कर ली हूँ क्योंकि आज लंच में भी खाएंगे और मिकी के लिए थोड़ा सा रख के जाऊंगी और अभी इसके बाद पैकिंग करूंगी। थोड़ा सा क्या नहीं, अभी पूरा कंप्लीट पैकिंग करना पड़ेगा क्योंकि और टाइम ही नहीं है। और फिर सोच रही थी आज हायरो को नहलाऊंगी, बट वेदर आज खराब है तो हायरो को नहला नहीं सकती। और फिर सब प्लांट्स वगैरह का काम खत्म करना है, सब कुछ खत्म करके ही जाना है क्योंकि यही मैं हमेशा करके जाती हूँ। तो बस और ज़्यादा बात नहीं करके मैं, और बस 10 पराठा बनाना है और थोड़ा चावल बनाना है, बस ये ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आगे आगे दिखाते जाती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए चाय सैंडविच रेडी, पराठा के लिए भी मैंने सब कुछ ऐसे रेडी करके रखा है, बस ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी। दीप आ गया है, उसको थोड़ा छोले टेस्ट करवा देती हूँ, सैंडविच वगैरह खाने तो फिर दे दो, मैं रख देती हूँ। ठीक है, नमक मिर्ची सब कुछ ठीक? एक छिपकली को लेके घूम रहा है तू, दिखा दिखा थोड़ा दिखा, ये प्लास्टिक, एक प्लास्टिक छिपकली को लेके घूम रहा है तू। मेरा सब काम खत्म, किचन को पूरा क्लीन कर दी और बर्तन को अपने जगह पे रख दी, सब खत्म हो गया 12 बजे। अभी 12:30 हुआ है, मैं जाऊंगी जूडियो, वहां से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, फटाफट जाऊंगी फटाफट आऊंगी, बस चलते हैं। बट तो मैंने ले लिया, बट दीप के पास अभी एकदम से टाइम नहीं है तो मैं और कुछ भी चीज़ नहीं देख सकती, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं अकेली आऊँ, आराम से देख के जो अच्छा लगे वही लेके जाऊँ। बट और थोड़ा सा एक चक्कर लगा देती हूँ, अगर कुछ अच्छा लगा तो लेके चले जाऊँगी। एग्जैक्टली 15 मिनट्स में ये चप्पल लेके आ गई और एक ट्रैवल पाउच भी लेके आई हूँ, बस घर वापस आ गई और चप्पल ऑलरेडी पहन ली हूँ, मतलब दिखा दी तुम्हें एक बार, अच्छा लग रहा है चप्पल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी लग रहा है। और मैं लेके आ गई ये वाला पाउच, बस मुझे ऐसा अच्छा लगा और मैं ये लेके आ गई वहाँ से। और ये कितना चप्पल स्लीपर का प्राइस था 300 शायद और इसका प्राइस है 249, तो एक काट देते हो गया। और एक लेके आई हूँ नेल पॉलिश, जो कि मैं पूरा पूरी भूल गई थी क्योंकि इसके अंदर था, तो मैं लेके आई हूँ ये वाला नेल पॉलिश क्योंकि मैं ये जो पहनी थी ना वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब कल रात में ही पहनी थी और आज सब निकल गया है तो इसलिए मैं ये लेके आ गई बस। और ये वाला पाउच काफ़ी बड़ा है तो इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ रख सकती हूँ। अभी मैं जाऊँगी पैकिंग करने के लिए क्योंकि पैकिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, तो फटाफट चलते हैं पैकिंग तुरंत कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर निकलते हैं। तो इसमें है हायरो का राइस, बहुत सारा एक बार मैं बना दी हूँ। और ये है हमारा चावल, ये हो गया है। और ये रहा छोले, बहुत सारा छोले बनाई हूँ क्योंकि हम लोग भी लंच में छोले खाएंगे। और उसके बाद ये पटेटो गोभी का जो फ्राई होता है वो, थोड़ा सा ऑयल देके उसको बस ढक के से रख देते हैं। और यहाँ पे है पराठे, इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। और ये है हायरो का राइस, तो ये हायरो का राइस में है दही और छोले बस। और ये पाउच में काफ़ी सामान मेरा अट गया, और भी रह सकता है,
तो और भी थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ। दीप का पैकिंग हो गया है, वो तो मतलब मैं किचन में थी, आया फिर बोलता है कि मेरा हो गया पैकिंग। मैंने बोला कि कैसे क्या, बोला कि हाँ मेरा हो गया, मेरे को जो जो लेना था मैंने कर दिया और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला कि पापा आज मेरा नहीं हुआ है, तुम्हारा हो गया है। और मैंने भी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। कपड़े कपड़े बस दो, कितना दिन का, 3 दिन का ट्रिप है, तो मैंने कपड़े 3 ही लिया है। और मतलब ऐसे बाहर पहनने लायक कपड़े 3 लिया और फिर डेली यूज 2 दिन ले लिया। बाय द वे हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसलिए कम्फी एक पहन के जाऊंगी, आते वक्त भी वैसे ही कम्फी एक पहन के आऊंगी, वैसे कम्फी वाला ले ली हूँ 2। बट मैं ऐसे प्लान करती हूँ फिर ना, कुछ कुछ कपड़े पता नहीं मैं ऐसे ही लेके चली जाती हूँ और उसको वैसे ही वापस लेके आती हूँ। मेरे साथ ये हमेशा होता है, ये शायद सबके साथ ही होता है, लगता है कि थोड़ा कम ना पड़ जाए फिर हम लोग पैक कर देते हैं एक तो एक्स्ट्रा और फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और पहनते ही नहीं है। तो खैर ये सब तो होता ही रहता है। और क्या, और मुझ मेरा क्या एक काम बचा है शायद, हाँ 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 पीछे के साइड का जो हमारा प्लांट है उसको मुझे पानी देना पड़ेगा, मैं उसको भूल जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने तुलसी 2-3 लगाए हैं, अगर नहीं देके जाऊँगी तो फिर मेरा तुलसी वगैरह सब सूख जाएंगे। और कुछ नहीं, बस बात करते करते ही पैकिंग कर लेती हूँ, फिर बात करती रहूँगी फिर टाइम चला जाएगा। तो मैं क्या बोल रही थी, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आज मिकी जस्ट गई कि नहीं, मैं उठी और तब से मैं लगी हूँ क्योंकि मैं ना बहुत स्लोली रसोई करती हूँ और मेरा चॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छे तरीके से चॉपिंग करती हूँ, जैसे वेजिटेबल्स पूरे अच्छे दिखनी चाहिए वैसे करके, उसके बाद धीरे धीरे करके रसोई करती हूँ। उसके बाद जब हो जाए फिर धीरे क्लीन करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ, उसके चक्कर में मेरा पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट अभी तो मैं सीख ली हूँ मतलब 3-4 बर्नर में एक साथ रसोई करना, तो इसलिए थोड़ा सा कम लगता है। बट ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सीख ही लेता है इंसान, मैंने भी वैसे ही सीख लिया। पहले तो एकदम से रसोई नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था क्या करूँगी क्या नहीं, अब हो जाता है, पूरा परफेक्टली नहीं होता है बट हो जाता है। तो बस हो गया, बात करते करते मैं धीरे धीरे करके ये भी और भी कुछ सामान ऐसे डाल दी, और नहीं जाएगा इसके अंदर कुछ, तो इसको अभी जिप नहीं, ये दोनों भी नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा था और ज़्यादा सामान जा सकता है बट मैं ये 2 क्रीम को डाल रही थी बट नहीं हुआ, तो बस इस इतने में ही जिप लॉक कर देती हूँ, बस इसको रख देती हूँ। बस ये वाला पाउच में ब्रश पेस्ट ये सब रख लेती हूँ, उसके बाद एंड में दिखाती हूँ मैंने, नहीं तो ऐसे बहुत बात कर रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा मैं वेस्ट कर रही हूँ। नेल पॉलिश लगा दिया, बहुत सुंदर है, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर ज्यादा अच्छा लगता है। हायरू कहाँ था, खाना खा के आया, कैसा था खाना आज, अच्छा लगा? कैसा लगा तुझे नेल पॉलिश, अच्छा लगा? अच्छा लगा, नहीं लगा ना, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, कहाँ ओफो हमेशा आके गोदी में बैठता है, हमेशा आके गोदी में बैठता है तू, हाँ तू क्या राजा है? और मेरा बच्चा बड़ा हो गया है फिर भी गोदी में बैठता है, देख मिरर में कौन है ये, बड़ा होने के बाद कैसे बैठता है मम्मी के साथ, देख रहा है खुद को मिरर में, और मेरा बच्चा मेरा गोलू। मैं नहा ली और बैग भी मेरा रेडी यहाँ पे रख दी हूँ, दीप का कॉल चल रहा है, वो जब कॉल ख़त्म करके आएगा तभी वो बैग को ले आएगा नीचे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ, पता नहीं वो कितना लेट करेगा। और हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मैजेस्टिक बस स्टैंड, वहाँ से हम लोग बस लेंगे और 8 बजे की बस है। और भी एक चीज़, बीच में हमारे फ्रेंड भी हैं, उनको पिक करना है, उनका ट्रिप है एक्चुअली, हम लोग उनके साथ जा रहे हैं, तो ऐसे ही सडनली प्लान हुआ। तो बस अभी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, ऐसा जो होगा शेयर करती रहूँगी, आप बस ब्लॉग देखते रहे। आज जो मैंने वीडियो से लेके आई थी ये भी इतना खास था।
थोड़ा सा तुम्हारा काम छोड़ के जा रहा है उसको ऐसे भी वो जगह इतना पसंद ही नहीं है। इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ। तो ये दोनों है न्यूली मैरिड कपल, इनके साथ हम लोग जा रहे हैं। और कितना टाइम? हाँ नहीं पता, देख के बताओ। देखो ना तुम, एक घंटा। चली चली कोरमंगला तक पहुंच गए हैं। ये है कोरमंगला का रोड। हम लोग पहुंच गए, अभी सामान बस निकाल के लेके जा रहे हैं। चले किस तरफ? इस तरफ जाना पड़ेगा। आगे चलो चलो। हम लोग बस स्टैंड में पहुंच गए हैं और काफ़ी बड़ा है। पापा यहाँ पे बहुत बार आए हैं, जब बेलरी जाते थे यहाँ से बस लेके जाते थे, बट मैं कभी नहीं आई हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। और बहुत बड़ा एरिया है, मानो गया है खोजने के लिए बस कहाँ पे है। वो एक बार में देख लेगा तो हम लोग फिर जाएंगे वहाँ पे, फिर थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। 8 बजे तो निकलने वाली थी बस, बट अभी 7:40 हो गया है तो पता नहीं और क्या खाएंगे, नहीं तो पैक करके ले लेंगे, बीच में खा लेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। हम बस में बैठ गए हैं और दीप बहुत सारा स्नैक्स लेके आया है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सबको मतलब अरे नहीं नहीं, मतलब हमारे ग्रुप को बोलो, जैसे बोल रहे थे अभी क्या खाबी बोल, इधर रिपीट एक्टिंग है, टेक टू खाबी बोल। दीप का शॉप है ये, दस टका ना 50 टका ये अंदर ज्यादा पैसे में बेचते हैं ना, 7 करोड़। अभी 12 घंटे से बैठ बैठ के जाना पड़ेगा, सोना नहीं है, ऐसे ही बैठ। मुझे थोड़ा सोने के लिए वैसे सोना पड़ता है, मैं ऐसे बैठ बैठ के नहीं सो पाती, कंफर्टेबली सोती। तुम इसको पीछे कर देना।